हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड मुंबई वड़ा पाव, और वो भी मुंबई के स्टाइल में। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यह है उबला हुआ आलू, जीरा और सरसों तड़का लगाने के लिए हल्दी, हिंग, हरी मिर्च, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है, आधा नींबू है, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए और तेल, उसके अलावा पाव। इसको मैं साइड में रख रही हूँ। अब ये है बेसन का बैटर बनाने के लिए। बेसन 1 कप है, चावल आटा 1/4 कप है, हल्दी, नमक, खाने का सोडा, मिर्च पाउडर और ये है अजवाइन। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेसन का बैटर। इसके लिए मैंने लिया 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने से बड़े क्रिस्पी बनेंगे। उसके अलावा 1/2 स्पून मैंने अजवाइन क्रश करके डाला है और 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने 1/2 स्पून डाला है। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अजवाइन डालने से डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और ऑयली फूड से ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब मैंने जिस कप से बेसन लिया उसी से 1 कप पानी लिया। अब थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसका स्मूथ बैटर बनाऊंगी। इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं रहता है, जैसे डोसे का बैटर होता है ना, वैसे हमें बनाना है। ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ बैटर बना लिया है। इसमें पूरा 1 कप पानी लगा है। इसको अब मैं ढक के आधे घंटे के लिए रख दूंगी और जब तक कि ये सेट होता है हम लोग करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने रखा एक पैन, उसमें डाला है 2 स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है सरसों और जीरा। जैसे ये दोनों क्रैकल हो गया है उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ करिया पत्ती। इस सब्जी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं। इस सब्जी को हम लोग वड़े की स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 स्पून हींग, उसके बाद बारीक कटा हरी मिर्च डाल के मैंने मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते, बहुत कम मसालों में बनता है बट बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल के थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ उबला हुआ आलू। आलू को मैंने उबाल के हल्का मैश कर लिया। मैश करने से सब्जी में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और इसकी स्टफिंग के लिए जो हम लोग बॉल बनाएंगे वो भी बहुत अच्छे से बनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 स्पून नमक। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी धनिया पत्ती। डाल के मिक्स किया है, अब सब्जी ऑलमोस्ट बनके रेडी है। अब मैं इसमें निचोड़ने वाली हूँ आधा नींबू। आधा नींबू निचोड़ के मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। एक बार मिक्स करके सब्जी बन गया है, मैंने साइड में रख दिया। अब हम लोग बनाएंगे लहसुन की चटनी। यह लहसुन, सूखा खोबरा, मूंगफली और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, उसके अलावा नमक। सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है। पैन में मैंने फलियों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। फलियों को ड्राई रोस्ट करके मैंने निकाल लिया है। ये लहसुन की चटनी बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे सिर्फ वड़ा पाव के साथ ही नहीं, ऐसे ही रोटी चावल के साथ भी खा सकते हो। फली भुन गया है, अब मैंने सिर्फ इसमें 1 स्पून ऑयल डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। डाल के मैंने एक पूरे लहसुन को छिल लिया था, उसको डाल के मैंने सूखा भुन लिया है। जैसे ये थोड़ा भुन गया मैं मिर्चों को इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो बट वो थोड़ा तीखा ज़्यादा रहेगा। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया सूखा नारियल। डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से भुन लिया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है उसे ठंडा करके अब मैंने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। पाउडर बना के आप इसे स्टोर करके 15 दिन तक भी रख सकते हो। अब मैंने नमक डाल दिया, नमक डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सूखा लहसुन का चटनी बन के रेडी है। अब मैं इसे रख रही हूँ साइड में। हमारी आलू की सब्जी भी ठंडी हो गई है। मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ, नींबू के साइज़ के बॉल बना के मैं इसको रखूँगी साइड में। आपको जिस साइज़ के वड़े बनाएं उस साइज़ के बॉल्स बना लेना। सारे वड़े बन गए हैं, तेल भी मैंने गर्म होने रख दिया, तेल भी गर्म हो गया। बेसन का बैटर भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खाने का सोडा। खाने का सोडा वड़े बनाने से जस्ट पहले डालना है, पहले से नहीं डाल के रखना है। डालने से आप देख सकते हैं बेसन का बैटर थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें एक आलू का बॉल उठा के डिप कर रही हूँ। डिप करके मैं इसको डाल रही हूँ तेल में। तेल में हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एक एक करके डालना है। डालते समय तेल गर्म होना है, उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए हमें इन्हें क्रिस्पी होते तक फ्राई करना है। इसमें हमने चावल का आटा डाला है इसलिए ये बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे, बहुत ही टेस्टी रहेंगे। और अजवाइन डाला है इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा भी खाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा। अब इन्हें मैं पलटते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होते तक या क्रिस्पी होते तक फ्राई कर लूँगी। सारे वड़े को मैंने पलटते हुए इसी तरीके से फ्राई कर लिया। मैंने इनको निकाल लिया है, इसी तरीके से मैं बाकी सारे वड़े फ्राई कर लूँगी। वड़ा पाव बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत भी लगता है बट जब बनने के बाद आप खाओगे तो सारा मेहनत भूल जाओगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है।
कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। सारे वड़े बन गए हैं। अब इसी तेल में मैं थोड़े से बेसन को जिस तरीके से बूंदी होता है उस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा डालूंगी। अब वड़े पाव में देख सकते हो थोड़ा सा क्रश्ड बूंदी टाइप का रख के देते हो, बहुत टेस्टी लगता है। वही बनाने के लिए मैंने बेसन डाला है। डाल के मैंने क्रिस्पी होते तक फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने इन्हें भी निकाल लिया, सारी चीज़ें बन के रेडी है। अब मैं सबको निकाल रही हूँ। निकाल के अब हम करेंगे प्लेटिंग। सारी चीज़ें हो गई है, वड़े भी हो गए हैं, मैंने चटनी भी निकाल लिया है। अब मैंने एक पाव निकाला है, पाव निकाल को इसको मैं बीच में से काट रही हूँ। काट के मैं तवे पे एक स्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ऐसा करने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने इसको निकाल लिया है सेक के, इसके बीच में मैं रख रही हूँ पहले हरी चटनी फिर उसके बाद मीठी चटनी। ये चटनी दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन की सूखी चटनी। आप चाहो तो हरी चटनी और मीठी चटनी स्किप कर सकते हो, बट लहसुन की चटनी बिल्कुल नहीं स्किप करना, क्योंकि वड़ा पाव का मेन इंग्रेडिएंट ये सूखी लहसुन की चटनी है। उसके बाद मैंने रखा है एक वड़ा और सूखा वाला जो क्रश्ड बूंदी जैसा है वो डाल के अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक हरी मिर्च फ्राइड। बस हमारा वड़ा पाव बनके रेडी है। मैं इसे रख रही हूँ साइड में। मैं आपको एक और वड़ा पाव बना के दिखा रही हूँ। ये सिंपल है, मतलब मैंने इसको तवे पे सेका नहीं, बीच में से काट के मैंने पहले रखा है मीठा चटनी, फिर उसके बाद हरा चटनी, उसके बाद लहसुन की सूखी चटनी, फिर एक वड़ा उठा के थोड़ा सा प्रेस करके मैं उसमें रख रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हो। उसके बाद सूखा वाला बूंदी मतलब जिसको हमने फ्राई किया था, और थोड़ा सा लहसुन का चटनी चटपटा। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक फ्राइड ग्रीन चिल्ली और टूथपिक से मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए और गिरे नहीं। आप भी ये टेस्टी वड़ा पाव बनाइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।